भाग ना पड़ रहा स्लिप के ना मारे थे भाई चारों पर रखे यार चारों पर रखे और पानी लो आपने एक बड़ी चेक भी करा दिया अगले टायर में पानी है एक भाई एडड बड़े जोटे की मॉडिफिकेशन कराने की केलोड पड़ गई बस यार जमी जेली की ड्रेस का तो चलेगा। दोस्तों आज की वीडियो जोंडियर 5405 की है भाई का पहला तो इंट्रो लेंगे भाई अपना नाम अजीत है भाई जोर से का बोल थोड़ा अजीत अजीत गांव सिंगरौली अच्छा डिस्ट्रिक्ट कैथल डिस्ट्रिक्ट भाई एडड बड़े जोटे की मॉडिफिकेशन कराने की केलोड पड़ गई बस यार जमी जेली की ड्रेस का तो चलेगा जेली की ड्रेस और कंपनी फिटेड होगा फिलहाल तो कोई छेड़छाड़ घबराहट हो रही इसका थोड़ी सी घबराहट हो रही अस्पताल में रहे मतलब बाकी अपना एरो दिखा दिया फिलहाल बिना मॉडिफिकेशन के है एरो की पहली गिल्ली है और हुक है दूसरे सराग में और गेयर में कौन कौन से में ट्राई करेंगे भाई सी के दूसरे मा अर्च डी वन में तो चलता नहीं है बाद में डी वन में भी चलाएगा दिखावांगे चलो सी दूसरा सी का दूसरा गेयर है बारह सौ आरपीएम दोस्तों पहले के लिए खुली हुई है सीधा दूसरा गियर है इतनी यार दोस्तों आपने देखी होगी मॉडिफिकेशन होने के बाद डी वन में चला अपना ट्रैक्टर लाइए डी वन बंद ही हो जाकर क्लच नहीं दबा फिलहाल सी के दूसरे में चला आरपीएम ड्रॉप करके चला डीवन लाइए फिलहाल बिना मॉडिफिकेशन के डीवन भी ट्राई करेंगे डी वन वही 1800 RPM है बंद ही हो जाए दोस्तों डी वन में पहली किल्ली में बाद में भी चेक करेंगे फिलहाल सी का दूसरा है दोस्तों फाइनली 5405 की मॉडिफिकेशन हो गई थी खेत में ट्राई ली है भाई ने भाई कितना फर्क लगे था पहले हमारी भाई पहले था कितने एचपी का फर्क कैसे कहां था 20 एचपी का फर्क पड़े ट्रैक्टर में अच्छा अच्छा जिस तरह आप बटन बंद करके चलावा जब पहले था ट्रैक्टर अप हो रहा है या डाउन है बटन बंद करके पहले तो अप हो रहा है भाई अच्छा पहले तो फर्क है जिस तरह पहला अपन सी के दूसरे में चलाया था 1200 पे चले था अरीब बटन बंद करने के बाद भी कितने आरपीएम पे चला 100 RPM तोड़ के चला भाई 100 RPM तोड़ा और बटन ऑन कर दी सार कौन सा गियर पकड़ा फिर डी के पहले वन में चला भाई डी वन में चला अच्छा इनकी टायर आ गई एक बार ये टुंटी खोल कर चेक कराइए इसमें के पैर रखा था नहीं स्लिप होनी मारे था ये स्लिप क्या ना मारे था भाई चारों पर रखे यार चारों पर रखे और पानी लो आपने एक बार चेक भी करा दिया अगले टायर में पानी है एक बार भाई पिछले भी चेक करा चारों टायर है चारों टायर में पानी भी रखे दोस्तों और देखो पानी आ गया चारो टायर में पानी है और ट्रैक में खींचनी ओवरलोड पानी के है हां फुल पानी है ऊपर है टुंटी हां आवा को नहीं है पानी पानी भरा के फुल नहीं हो मतलब 10 क्विंटल तो पानी ही पानी ले रहे हैं और 10 क्विंटल तो पानी पानी ले रहे हैं और हैरो वही है उसी दिन वाली पहली किल्ली में हिच वगैरह सेम करवा स्टार्ट गियर दी गई है फिलहाल बटन बंद है ना
आज देख लो 100 आरपीएम ड्रॉप कर रहा है, फिलहाल बटन बंद है। और दोस्तों आपने बताया था उस दिन तो ज्यादा मिट्टी भी हो रही क्योंकि वो बारिश का ट्रैक था, ताजा बने यही मिट्टी ठीक हो ली, यह बात आप ओनर ने भी पूछेंगे। बटन ऑन तो नहीं करे जी बाल नहीं, पहले टी वन में बटन बंद करके चलाओ, रोक लियो एक बारी सीखे दूसरे में देख लियो आप एक घंटा पहला सीखे दूसरे में कोई आरपीएम नहीं ड्रॉप कर रहा है। ओफ है तुम दोस्तों, बटन ऑफ है। डी वन गेरा देखो, डी वन का गेयर भी पकड़ रहा, बटन बंद हो वहां। देखो आरपीएम कितनी ड्रॉपिंग है, खोल ले। भागना पड़ रहा भाई, नहीं भाग सकता, डले पड़े पैरों में चुभा जावा। इस टाइम ऑन है भाई बटन, एक बारी और दिखा, एक बारी और दिखाइए फर्क बटन का, एक बारी और फर्क दिखाइए। उस दिन तो मट्टी ब्रीक हो रही है या अग मोटी है, उस दिन तो लोड ज्यादा है या कम है? बहुत ज्यादा लोड है, उस दिन आली थी, आज सुखी हो रही है, ब्रेक पान हो रहा है। मैं 2200 कर दिया बिना बटन बंद है, ब्रेक का वाला पैर दूरा है, अब ऑन कर, लाल बटन बंद है और इस गेड़े में देखेंगे थोड़ा लोड लेवेगा, पूरा ऑन करेंगे। अपना बटन का फर्क दिखाओगे, ऑन कर दिया, 100 आरपीएम ड्रॉप है टी वन में भी, स्लिप अपना देखना लग रही है। बस भाई रोक दे, ओके दोस्तों, जैसी वीडियो लगा बताइयो, चैनल सब्सक्राइब करियो और वीडियो ना शेयर करियो। थैंक यू दोस्तों।